मैं एक दो चार लोगों की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, तकरीबन हजारों की संख्या में मैं बात करूंगा यहाँ पे। हजारों लोगों का कमेंट्स आता है मेरे पास, दिनेश भाई मुझे आपके जैसा बनना है, दिनेश भाई कुछ टेक्निक बताओ, कुछ टिप्स बताओ, कुछ तरीके बताओ, मुझे आपके जैसा बनना है, क्या चीज़ मैं करूँ। तो मैं कहता हूँ मैं क्या हूँ यार, मुझसे भी बेहतर बेहतर लोग हैं, उनको टारगेट करो, उनके ऊपर फोकस करो, वैसा बनने की कोशिश करो। वो लोग बोलते हैं नहीं दिनेश भाई बिल्कुल नहीं, ये तो मुझे पता है आपसे सुंदर, आपसे स्मार्ट, आपसे अच्छे पावरफुल, हर चीज़ में बेहतर लोग दिखते हैं, लेकिन आपकी सोच के जैसा बंदा मुझे चाहिए, मेरे अंदर वो माइंड में वो चीज़ चाहिए जो आपके अंदर आ गई है, कि आप कैसे आज के 8-10 साल पहले सब कुछ बर्बाद कर दिए थे और आज 8-10 साल के बाद आपने लगातार सब कुछ बहुत अच्छा किए। क्योंकि मेरी वीडियो पुरानी आप देखोगे इस चैनल पे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या था और क्या हो गया, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं है। आप जाके मेरी 3 साल पहले की वीडियो इसी चैनल पे पड़ी है, देख के आप समझ सकते हो कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। ये जो मेरी जर्नी है ना दोस्त, बहुत कठिन थी यार, बहुत कठिन थी। इतना समझ लो जैसे एक लड़का पढ़ाई करता है कि अच्छी जॉब मिल जाए, उससे भी कठिन थी ये जर्नी। क्योंकि चारों तरफ मैं जहाँ बैठता था हर कोई कहता था खाना वाना नहीं मिल रहा है का भैया, कुछ भी, मैं किससे बताऊँ कि 8-10 साल मैंने लगातार मैस्टरबेशन किया है, मैं क्या कहूँ, मैं किससे कहूँ ये सारी चीज़ें। और देखो मेरे दोस्त, ये कहना मुझे हिचक नहीं लगता बिल्कुल, किसी के जिगर में इतना दम नहीं है जो ये खुल के बोल सके कि मैं मैस्टरबेशन करता हूँ या करता था 8-10 साल। और 95% लोग इंडिया में करते हैं, 95 मैं दावे और चैलेंज से कह सकता हूँ। एक स्टडी के मुताबिक ये चीज़ पाया गया है कि मैस्टरबेशन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, इंडिया में ही नहीं बहुत सारे कंट्री में मैस्टरबेशन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी तरीके से मैस्टरबेशन करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। आज के 100 साल पहले हम जाते हैं मेरे दोस्त ना, तो 100 साल पहले के लोग 12-14 साल के होते थे, उनकी शादी हो जाती थी, वो मैस्टरबेशन के बारे में जान भी नहीं पाते थे कि ऐसा भी कोई चीज होता है। सबसे पहली चीज मैं यहां दोषी ठहराऊंगा पेरेंट्स को, 30 साल तक शादी के लिए वेट करना ये बहुत उचित नहीं है। मैं नहीं कहता करियर, बहुत सारे लोग कहते हैं ना शादी हो जाएगी तो करियर में बाधा आएगी, आपकी सोच में बाधा आती है, करियर में बाधा नहीं आती है। ये कौन सी बात होती है दोस्त कि आपका पार्टनर आ गया, आप उसके साथ हो, आप पढ़ाई करने से थोड़ी मना करेगा, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकरों से आपने सुना होगा कि चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, सुना होगा ना आपने, तो कर सकते हो मेरे दोस्त। तो यहाँ जो मैस्टरबेशन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, यही कारण है कि 25-30 साल तक लोग शादी नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इसके बारे में। और जो 12-13 साल को लड़के की मैं बात कर लूँ, 12-13 साल के लड़के जो अभी स्टडी लाइफ में बढ़ रहे हैं आगे, उसके बाद भी मैस्टरबेशन करना शुरू कर दिए हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस इतना कहूँगा अगर ऐसा कोई लड़का मेरी वीडियो को प्ले करके देख रहा है तो ध्यान से सुनना कि कुछ रखा नहीं बाबू इस चीज़ में, मेरे भैया जो भी कुछ कह लो कुछ नहीं रखा, ये समझ लो ये भुगता हुआ व्यक्ति आपके सामने कह रहा है, भुगता हुआ, मैं भुगत भोगी हूँ इस चीज़ का। क्या नुकसान होता है मुझे किसी से जानने की ज़रूरत नहीं, ना किसी की वीडियो देखकर जानने की ज़रूरत है, ऑलरेडी वो चीज़ मैं भुगत चुका हूँ, मैंने देख लिया है कितनी हानियाँ होती हैं। और जब मैंने पहली मर्तबा 30 दिन ब्रह्मचर्य करने का स्टार्टअप किया, पहले तो मैंने छोड़ ही दिया मैस्टरबेशन, कुछ पता ही नहीं था ब्रह्मचर्य के बारे में, इतना तो मुझे पता चल गया था। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा, और उसी प्रक्रिया से आज मैंने, जब दोस्त जितने अच्छे लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, जितनी अच्छी सोच रखोगे, जितना मतलब हर चीज़ बेहतर सोचने की कोशिश करो, उतना बेहतर बनोगे आप। कोई बेहतर किसी को बनाता नहीं है मेरे दोस्त, ये ऑटोमेटिक एक सोच होनी चाहिए आपके शरीर में, दिल में, जान में, एक एक रोए रोए में ये अच्छाई भरनी चाहिए। अच्छाई की बात को लेकर मैं यहाँ एक डाउट क्लियर करूँगा, अच्छाई का मतलब ये नहीं है आप रास्ते से गुजर रहे हो, कोई कुछ बोले, तू तड़ाका गाली दे, तो वहाँ आंखें बंद करके आने का काम नहीं है। क्योंकि वो समय और था दोस्त कि गांधी जी के 3 बंदर, अब समय दूसरा है। आप अगर किसी को उसकी बातों का जवाब नहीं दोगे तो और ही कमज़ोर लोग आपको समझ लेंगे। मैं यहाँ आपको ये नहीं कह रहा हूँ लड़ाई झगड़े करो, लेकिन इतना तो ज़रूर जानना चाहिए कि हर कोई आपको जाने कि एक सांप है, सांप सांप से कोई उलझता है नहीं ना, लेकिन जानता सब कोई है कि अगर ये भैया उलझेगा नहीं, लेकिन अगर छू दिया तो ख़त्म हो जाओगे। तो कुछ इसी तरीके से आपको बनना है सांप की तरह।
एक नेचर अंदर ऐसा रखना है कि अंदर सांप की तरह होना चाहिए आपको, बाकी किसी के साथ कोई बुरा करना नहीं, कुछ भी नहीं, बेहतर सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। और दिनेश भाई को ही टारगेट मत करो यार, किसी को भी टारगेट करके उससे जैसा बन सकते हो। अच्छे अच्छे ज्ञानी महापुरुष हैं जिसको मैं देखता हूँ, जिसके बारे में मैंने स्टडी किया है बहुत कुछ मेरे दोस्त, उसके बाद भी यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। अभी मुझे और स्टडी करना है लोगों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में, और चीज़ों को जानना, उसके बाद और आगे तक जाना है, यही नहीं रुकना मुझे। ये तो मैं एक वीडियो का जरिया बनाया हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ सिखाऊँ, कुछ बताऊँ, मोटिवेशन दूँ, मोटिवेशन जैसी चीज़ें छोड़कर मेरे जैसा बनना चाहो बन सकते हो, उससे भी अच्छा आप बन सकते हो मेरे दोस्त, सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे अब समाप्त करना चाहूँगा मेरे दोस्त। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा जितना हो सके अच्छा बनने की कोशिश करो आप, मैस्टरबेशन त्याग दो, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना शुरू कर दो, बस यही चीज़ आप जान लो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।